हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल P55 5G फ़ोन है, तो आईटेल P55 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने आईटेल P55 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे अपने आईटेल फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे आईटेल फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की जो भी सेटिंग्स है आपके फ़ोन में आ जाएगी, इस पर जाकर आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेटिंग शो हो रही है तो स्लाइड करते हुए आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना होगा, तो सिस्टम सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर आप फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे। जो तो ब्लूटूथ प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही है उसको आप ठीक कर पाएंगे। देख सकते हैं कि सिंपली बस आपको स्लाइड करना और रीसेट फ़ोन पर चले जाना है, जिस पर जाकर आप बस रीसेट वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स पे जाएंगे तो ब्लूटूथ की जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे और कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, जो भी सेटिंग्स है आपकी ब्लूटूथ की आप रीसेट कर पाएंगे। इस तरीके से रीसेट करते ही ब्लूटूथ प्रॉब्लम आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी और ठीक हो जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप वाईफाई की प्रॉब्लम भी सॉरी ब्लूटूथ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो इस ऑप्शन के जरिए फ़ोन को रीसेट करके एक ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।